अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुनैद भट्ट से अभी परेशान थे दोस्तों। काफ़ी अरसे के बाद तकरीबन 8-9 महीने के बाद चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो कुछ मसरूफियत वगैरह थी कराची से, जो वगैरह छोड़ दी, रिजाइन दे दी और मानसिला अपने नाम चलाया। अभी यहाँ अलहमदल अपना बिजनेस सेटअप किया और आपको पता है नया बिजनेस रन करने में तकरीबन 8-9 महीने तो लग जाते हैं, तो अलहमदिल्ला अभी चैनल की तरफ थोड़ा सा टाइम निकाला है। अभी डेली की डेली वीडियो इंशाल्लाह चैनल पर आती रहेगी और आप दोस्तों की सपोर्ट चाहिए। तो अभी अलहमदिल्ला मैंने दुकान की फिंचेस वगैरह और जावा डब वगैरह का सेटअप तो यहाँ नहीं ला सका मौसम की वजह से, क्योंकि यहाँ का मौसम हमारा काफ़ी ठंडा है। तो अभी दोस्तों ऐसा है कि यहाँ के बर्ड्स इलाके के हिसाब से मैंने असीम मुर्गियाँ वगैरह और काफ़ी दूसरे अदर परिंदे वगैरह रखे हैं, मैं आपको उनका शौक भी कराऊँगा। तो इंशाल्लाह अभी वीडियो ले कर मैं जाता हूँ कैमरा अपने फार्म पे, अभी ये घर भी मेरे साथ में हूँ, तो फार्म पे जाके मैं आपको अपने बर्ड्स दिखाता हूँ। तो इंशाल्लाह डेली की डेली चैनल पे वीडियो अपलोड होती रहेगी और चैनल अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको अपने फार्म पे और थोड़ा सा मैं आपको अपने इलाके का व्यू भी दिखाता हूँ, तो आए चलें। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं हमारा गाँव और ये मेरे छत से मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज गंदम का मौसम है, तो ये आप गंदम की हरियाली वगैरह देख सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा गांव है मानसेरा, तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये रास्ता ही नीचे आता है, कच्चा रास्ता ही है, लेकिन ये एक लिंक रोड है। और अभी मैं बाहर से आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, तो फिर हम चलते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों सामने, ये जो आपको मकान वगैरह नज़र आ रहे हैं ये मानसेरा सिटी, हम थोड़ा सा सिटी से तकरीबन 5 मील के फासले पे रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने काफ़ी अच्छा आपको दिखाएंगे, ये मेरे छत की सेकंड फ्लोर की ये टेरेस है सारा, ऊपर छत है और यहाँ इंशाल्लाह अभी हम परिंदों का सेटअप बनाएंगे, कैज वगैरह बनाएंगे। और इस साइड से मैं आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर इस छत के ऊपर भी कबूतर वगैरह बनाएंगे। और ये पीछे आप देख सकते हैं साथ में ये मेरे कज़न का फार्म है और उसने कबूतर वगैरह रखे हैं, इंशाल्लाह उसका भी आपको शौक करवाएंगे। तो चलें आप वीडियो की तरफ, नीचे चलते हैं अपने फार्म पे चलते हैं और वहाँ मैं आपको अपनी मुर्गियों वगैरह दिखाता हूँ। तो इंशाल्लाह चैनल पे डेली की डेली वीडियो आती रहेगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो चलें चलते हैं नीचे दूसरे सेटअप पर चलते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मेरे बर्ड्स, मुर्गियां मैंने रखी हुई हैं तकरीबन, इसमें असील भी है और दूसरे भी मैं आपको दिखाता हूँ, असील भी हैं और मिस्री गोल्डन भी हैं और दूसरी भी हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये जैन बैठा हुआ है और जैन मस्ती कर रहा है, जैन नहीं करो, ये रात की पानी में भिगोई हुई रोटी में डालता हूँ, तो ये माशाल्लाह आप खाते हैं। आप ये देख सकते हैं असील ब्रीडर मुर्गा है और ये 3-4 इसमें असील हैं और बाकी जो हैं वो गोल्डन मिस्री रखी हुई हैं अंडों के लिए। तो अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, मेरे पास एक और मुर्गी है जिसके नीचे मैंने अंडे रखे हुए हैं। तो दोस्तों मैं अंदर आपको ले कर चलता हूँ, अंदर थोड़ा अंधेरा है लेकिन ये एक आप देख सकते हैं इसके नीचे मैंने रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। इस मुर्गी के नीचे दोस्तों मैंने अंडे रखे हुए हैं, तकरीबन आज से 6 से 8 दिन गुजर चुके हैं और इंशाल्लाह जब इसके चिक्स निकलेंगे तो वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अभी हर रोज़ डेली इसके ऊपर मैंने ये टोकरी इसलिए रखी हुई है कि दूसरी मुर्गियां आके यहाँ अंडे देती हैं, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसके ऊपर से टोकरी हटाते हैं और ये बाहर जाएगी, थोड़ा बहुत खाना शाना खाएगी, पानी पिएगी, उसके बाद आके अंडों पर बैठ जाएगी। तो माशाल्लाह ये देसी मुर्गी है और असील की क्रॉस है, तो इंशाल्लाह ये चेक्स अच्छे निकालेगी। तकरीबन मैं आपको अंडे भी काउंट करवा देता हूँ कि इसके नीचे मैंने कितने रखे हुए हैं। तो अभी हम इसके ऊपर से टोकरी हटाते हैं, ये आप दोस्तों देख सकते हैं वो बाहर चली गई है और इसके नीचे मैं आपको अंडे काउंट करवा देता हूँ। ये तकरीबन 15-16 अंडे मैंने रखे हुए हैं, तो ये देखें हैं दोस्तों। अभी बाहर चलते हैं और बाहर मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ मुर्गी वो खाना खा रही है, साथ में बकरी रखी हुई है, बकरी के बच्चे भी शोर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में मैं आपको अपनी बकरी का भी शौक करवाऊँगा। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, वो देखें किस तरह खाना खाते हैं,
ये वाली मुर्गी है, ये ड्रॉपिंग वगैरह अभी इसने की है, क्योंकि ये तकरीबन 12-24 घंटे अंडों के ऊपर बैठी होती है। तो ये प्योर असील तो नहीं है, लेकिन ये है कि देसी और असील की क्रास है, और ये है कि चिक्स वगैरह बड़े अच्छे तरीके से निकालती है। फ़र्स्ट टाइम है इसके नीचे मैंने अंडे रखे, अभी तजर्बा करेंगे, देखेंगे कि ये कितने चिक्स निकालती है 15 अंडों में से, और वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और ये जो लाल वाली है, ये अभी इसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं, इंशाल्लाह ये अभी अंडे देंगी थोड़ी देर बाद। इनके अंडों की जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ ये अंडे देती हैं जगह जगह। तो ये रात को मेरा फीड पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि इनके आगे मैं डेली रूटीन में क्या डालता हूँ। अभी फ़िलहाल सुबह के तकरीबन 7 बज रहे हैं, और अभी मैंने इनके आगे रात को भगोई हुई तकरीबन आधा किलो रोटी भगोई हुई है, 10-15 मुर्गियों के आगे डालता हूँ। कोई मुर्गियाँ मेरी बाहर भी गई हुई हैं, और ये आप इसको देख सकते हैं, ये दोस्तों माशाल्लाह सारी की सारी मुर्गी अंडे देती हैं, कोई ऐसी मुर्गी नहीं है। ये आप वाइट वाली देख सकते हैं, ये वाइट वाली जो है ये फार्मी मुर्गी लग रही है, लेकिन फार्मी नहीं है, ये भी देसी देसी नहीं है। बहरहाल ये है कि ये गोल्डन मिश्री की क्रॉस से बनी हुई है ये वाली मुर्गी। अच्छा दूसरी जगह दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पीछे करके ये अंडे जहाँ जहाँ देती हैं वहाँ मैं आपको जगह दिखाता हूँ इनकी। तो दोस्तों ये जगह बनाई हुई है पीछे, आप देख सकते हैं, ये यहाँ ये कोने में अंडे देती है, अभी कोने में अंडे देती हैं। अभी यहाँ पे एक आधा अंडा मेरे ख्याल से पड़ा हुआ है, वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है, और अंदर भी देती हैं काफ़ी जगहों पे ये अंडे देती हैं। अलग अलग जगह बनाई होती हैं, क्योंकि ये जो सेटअप है ये अभी कचरा काफ़ी पड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह की सफाई नहीं की, सफाई की मैंने कहा पहले वीडियो बना देते हैं। यहाँ बकरी बांधते हैं, अभी थोड़ी देर बाद बकरी को ही बाहर ले आएंगे, लेकिन इस वीडियो में क्योंकि ये बर्ड से रिलेटेड वीडियो है तो उसमें बकरी को नहीं दिखाते। दोस्तों तकरीबन मैं 6-8 महीने बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे, कुछ मसरूफियत की वजह से मैं कराची में था, आप लोगों को पता है मैंने काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स रखे हुए थे, वो बर्ड्स फिर इधर हमारे मानसेरा के एरिया में सरवाइव नहीं करते, तो इधर मैंने आके फिर ये मुर्गियों का शौक़ पाला। इंशाल्लाह ये सर्दी में गर्मी में दोनों मौसमों में सरवाइव कर देती हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह और बर्ड्स भी मैंने ऊपर छत पे रखे हुए हैं, ये अपना घर है और यहाँ काफ़ी स्पेस है मेरे पास। ये जो जगह है ये तकरीबन 10 मरले की जगह है, यहाँ खाली हमने मुर्गियाँ और बकरियाँ वगैरह रखी होती हैं शौक़ के लिए, मैंने रखी हुई हैं। तो दोस्तों कराची से मैं परमानेंट शिफ्ट हो चुका हूँ फैमिली को लेके इधर ही मानसेरा में, तो इंशाल्लाह आप डेली की डेली कोशिश है कि वीडियो बनाते रहेंगे और आप दोस्तों के साथ शेयर करवाते रहें। अभी ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, दीवार पे चढ़ गया, अभी थोड़ी देर बाद ये उड़ के बाहर जाएगा साथ में आगे खेत और अपनी ज़मीनें, और वहाँ से फिर ये खुद ब खुद उड़ के वापस आ जाता है। तो माशाल्लाह ये मेरे पास तकरीबन 2-3 साल का पुराना मुर्गा है, इसकी कीलम वगैरह भी आप चेक सकते हैं, प्योर असील है। और ये देखें दोनों ने आपस में लड़ाई लगा दी है, अब ये पानी वगैरह पिएगी और इसको दोबारा अंडे पे जाके बैठ जाएगी। तो दोस्तों इंशाल्लाह आज का व्लॉग यहीं तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। जनेद बट सेवरी को दीजिए इजाज़त, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।